और दोस्तों अभी अभी एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रहा है, मीडिया के अंदर काफी ट्रेंडिंग न्यूज आ गई। सभी पति पत्नियों यानी कि शादीशुदा लोगों को ये बात जरूर जान लेनी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हाई अलर्ट निकल कर आ रहा है। ऐसे में अगर आप भी शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आज का ये अलर्ट और अपडेट आपको जरूर जान लेना चाहिए। तो जानते हैं दोस्तों फटाफट से कि क्या कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट और न्यूज निकल कर आ रही है। इससे पहले दोस्तों अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज आपके वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन फटाफट से उस पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना। पास में मिलेगा एक छोटा सा नन्ना सा घंटी का आइकन, उसे जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। और सब्सक्राइब करने से आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। दोस्तों हम नहीं चाहेंगे कभी भी है कि हमारी डीएलएस न्यूज कम्युनिटी फैमिली मेंबर यहाँ तक कि हर एक इंडियंस को कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए सरकार की तरफ से जब भी कोई नए नियम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस और नई स्कीमें आती है तो हम डीएलएस न्यूज के ऊपर तुरंत उसे अपडेट कर देते हैं ताकि आम आदमी आम पब्लिक आम जनता को कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है हम ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में आज का जो अपडेट निकल कर आ रहा है काफी बड़ा अपडेट है और सभी को जरूर जान लेना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक में SBI PNB कैनरा HDFC तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से जो नए नियम निकल कर आ रहे हैं बेहद जरूरी हैं। नियमों की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आप जीत सकते हैं डीएलएस न्यूज की तरफ से अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि हमारी भारत सरकार में प्रधानमंत्री के चुनाव कितने साल बाद होते हैं। जो लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे डीएलएस न्यूज की तरफ से और वो जीत सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट टूल गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। यहाँ जो दोस्तों पति पत्नी के लिए नियम निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर 31 मार्च 2018 से पहले आपको सरकार की तरफ से बताया गया काम करना जरूरी है, वरना आपको पेनल्टी के साथ जेल भी हो सकती है। अगर आप सरकार के द्वारा बनाए गए इस ऑर्डर को पूरा नहीं करते हैं तो आप पर 1.5 लाख तक की पेनल्टी भी लग सकती है और 5,000 रुपए से अधिक अगर किसी भी तरह की पेनल्टी लगती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको 6 माह तक की जेल का प्रावधान भी है, यानी कि जेल भी हो सकती है। सरकार द्वारा तय हुए नए नियम के अनुसार कार्रवाई का बहुत ही सख्त प्रावधान है। ऐसे में 2.5 लाख तक की आय वाले अकाउंट धारकों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे ऊपर के अकाउंट होल्डर्स को यह अपडेट जरूर जान लेना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों 13 जून 2018 का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। 4:47 PM यानी कि शाम के समय खबर लगाई गई है कि अगर पत्नी के नाम पर है बैंक अकाउंट तो तुरंत कर ले काम, नहीं तो सरकार उठाएगी ऐसा कदम। जी हाँ दोस्तों, आपकी भी वाइफ के नाम पर बैंक अकाउंट है और आपकी इनकम जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लिमिट से अबव है तो ऐसे में आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर पत्नी के बैंक अकाउंट की डिटेल को भी मेंशन कराना शो कराना जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इन नियमों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी सख्ती और कठोरता कर दी गई है। तो उम्मीद है जानकारी और अपडेट आपको मिल गया होगा। जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और डीएलएस माइंड कुछ क्वेश्चंस के जवाब देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।